इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम मौजूद नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नाज़रीन, आजकल लोगों को ना तो जनाजे का एहतराम है और ना ही मस्जिद का। जी हाँ, ये खबर है शहर हैदराबाद के अहमद नगर फसलानसर से, जहाँ पर जनाजे को तदफीन करने के लिए ले जाया जा रहा था, वहाँ पर भी लोग चोरी कर रहे हैं। दो अफराद को वहाँ के मुकामी लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद वहाँ हलचल मच गई। काफी वक्त से ये खबर गश्त कर रही थी कि वहाँ पर मस्जिद को जब कोई जनाजा आता है तो जनाजे में से या तदफीन करते वक्त जब लोग गम जदा होते हैं, इसका फायदा उठाते हुए कुछ चोर वहाँ से मोबाइल फोन चुराने का काम करते हैं और उनके पैकेट्स चुराने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उसके बाद आज वहां पर दो चोर पहुंच गए और किसी का मोबाइल फोन चुराया, मगर लोगों को इसका इल्म हो गया। लोगों ने उन्हें पकड़कर काफी हद तक धुलाई भी की। फिर इन तमाम ने मुतालिका पुलिस को इसकी इतला दी और पुलिस के हवाले भी कर दिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। मैं सज्जाद नजीर मुतवल्ली अहमद निजामुद्दीन साहब का छोटा भाई हूँ। इनकी 6 महीने से तलाश थी हम लोग को। मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जनाजे की नमाज से लेके भैया दफनाने तक इल्ला धूम मचा के रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इल्ला पकड़े गए। सिलसिला 4-6 महीने से तो दबा के था। हम खुद इनकी बिल्डिंग पे लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हाथ घट गए लोग। इनके गाड़ियों में से भी मोबाइल निकले, गाड़ी भी मिली चोरी की, ये सब पुलिस के हैंड ओवर करा दिए। गुजारिश है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से एक्शन लीजिए। इनके साथ कौन कौन मिले हुए हैं, कितने लोग आए? मैं ना समझता हूँ कि ये सिर्फ 2 लोग थे, इनके पीछे 4-6 आदमी के बराबर बिल्डिंग जारी थी। 2 जने हाथ को गट गए, अब पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस वालों से गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन।